याद है ईशान, तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि मेरा सबसे बड़ा डर कौन सा है, और उस वक्त मैं चुप रह गई थी। पर आज कह सकती हूँ शायद मैं बहुत अंधविश्वासी हूँ। मुझे खुशियों से बहुत डर लगता है। आई डोंट ट्रस्ट हैप्पीनेस, यू नो। जरा ध्यान से देखना उसे। ये एसीपी खान है ना? हेलो, कैसे हैं आप लोग? बस ठीक है। ये अमृता, और अमृता वो सुमन जी, और ये ईशान।
सुमन ईशान। अच्छा मिलते हैं फिर कभी। जी। ईशान। यस सनी। कम ओवर। सुन रहे हो ना, अभी यहां आ जाओ, जस्ट नाउ। ओके। निशि, आई जस्ट कांट टेक दिस एनी मोर। पता नहीं तुम्हारे दोस्त को क्या हो गया है। निशि जरा सर, अमृत कुंज वाली कार का पता चल गया है। किसके नाम पर है? जोधा भाई के पोते सुनील सिंह के नाम पर है। अच्छा। जी बाबा, वो सुमन देव मेरी ही दोस्त है। तुम्हारी दोस्त पुलिस को कुछ बताने जा रही थी और तुमने उसे रोका तक नहीं, ये जानते हुए भी कि उससे सनी को खतरा था? बाबा, सुमन जो सही समझे वो करने का उसे हक है। नहीं, उसे कोई हक नहीं है, और अगर वो तुम्हारी करीबी दोस्त है तो उसे ऐसा करने का कतई हक नहीं है। अपना फर्ज मत भूलो ईशान। जोधा भाई और सनी के लिए तुम्हारा जो फर्ज है वो किसी के भी हक से बड़ा है। अपने दोस्त से कह के वो बयान बदलवा दो और कहलवा दो कि उसे कुछ ठीक से याद नहीं। बाबा, मैं सुमन से कुछ नहीं कह सकता। ईशान, अगर तुम अपनी दोस्त की खैरियत चाहते हो तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, और उसके बाद उस लड़की से रिश्ता खत्म कर दो। जो तुम्हारे फर्ज के आड़े आए वो तुम्हारे लिए नहीं। बात खत्म। रैनी। ओह, हेलो अंकल। हेलो बेटे। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग। कैसे हो रणधीर? अच्छा हूं अंकल। ड्रिंक बनाता हूं आपके लिए। नहीं, मैं जरा जल्दी में हूं, मुझे तुम्हारी कार की चाबियां चाहिए। क्यों, आपकी कार खराब हुई है? नहीं, मेरी कार ठीक है, ये जोधा भाई ने कहा है। दादाजी ने क्या कहा है? सनी, वो कार तुमने अमृत कुंज वाले मामले में इस्तेमाल की थी और पुलिस को पता चल गया है। कैसे पता चला पुलिस को? किसी ने खबर दी है उन्हें। किसने दी है? किसी ने। जोधा भाई चाहते हैं कि मैं तुम्हारी कार। किसने खबर दी है पुलिस को? सनी, खबर किसी ने भी दी हो, हमें अपना बचाव करना है। चाबी दो। आप जानते हैं खबर देने वाला कौन है, मगर आप मुझे नहीं बता रहे हैं। सनी, ये बात नहीं है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? आप समझते हैं मुझे जानने का कोई हक नहीं है। सनी, मुझे हर बात जानने का हक है। किसी लड़की ने खबर दी है पुलिस को। नाम? सुमन। पूरा नाम? सुमन देव। सुमन देव, आपके बेटे की दोस्त? तो आप नाम इसलिए नहीं बताना चाहते थे क्योंकि वो आपके बेटे की दोस्त है। सनी, तुम जोधा भाई के पोते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोले जाओ।
आप एक चुगलखोर लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कल वो आपकी बहू बन सकती है। सनी। और दादाजी आपको अपना सबसे वफादार दोस्त समझते हैं। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो सनी। आप जोधाबाई के साथ गद्दारी कर रहे हैं। फिर ऐसी बात मत करना कभी।